बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू इस्लाम के ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आप पीछे नोटिस करें, मे भी आपको कलर चेंज लग रहा है। तो जी आपको बिल्कुल सही लग रहा है, हमने पेंट करवाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इतनी दूर कैमरा ठीक है, तो ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कलर कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नंबर वन लगा। तो इस वजह से काफ़ी मैं बिज़ी भी था और मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया पिछले कुछ दिनों से। खैर आज का जो ब्लॉग है दैट इज़ मैं फर्स्ट टूर है मेरा, इतना लंबा इतनी दूर वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी मैं रिवील नहीं करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले फर्स्टली हम जाएँगे, ट्रेन से हो रहा है सफ़र, जो हमारा सिटी है उससे जाएंगे फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद से इधर जाना है उधर जाएंगे। तो आप लोगों का साथ साथ पता चल जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट पैकिंग वगैरह सारा कुछ रेडी तैयार कर लिया है, सारा कुछ बैग पैक है। 15-20 मिनट में ट्रेन का टाइम है, घर से चलने लगे हैं। मैं भी ऐप पे देख के हटाऊँ ट्रेन का टाइम, तो बस चलते हैं, आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। सो एंजॉय द जर्नी। डिनर सर्व होगा अभी, हमें ये जूस दिया गया है और योगर्ट दिया गया है। थैंक यू। और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एग्जेक्टिव क्लास में भी और ट्रेन के थ्रू। ले जी अब हमें डिनर सर्व कर दिया गया है एंड आई एम रिवीलिंग कि मैं कराची जा रहा हूँ सिटी ऑफ लाइट्स में। सो जी अभी रात का टाइम है और ये रहा ब्यूटीफुल बहावलपुर स्टेशन, थोड़ी देर पहले ही बना है। ये रहा इधर को ऐसे करीबन 12:30 हो रहे हैं रात के और जस्ट 3-4 मिनट का स्टे है। मैं कहा चले थोड़ा सा दिखा दूँ स्टेशन भी और बस अंदर जाके बैठते हैं। बाहर तो काफ़ी सर्दी भी है और नींद भी आ रही है, थोड़ी देर तक सो भी जाएंगे इंशाअल्लाह और फिर सुबह जब उठेंगे तो मैं भी कराची आया हूँ। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए हमें जगाएंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, जहाँ कहीं रुकेंगे जाएंगे वहीं आपसे भी मिलेंगे। इधर लाइट सही आई होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग है जी, ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है हमें जिसमें एप्पल जैम है, इसके अलावा बटर भी है। ये भाई साहब गिरी जा रहे हैं, बटर है ये मैंने अभी खोला है, दो स्लाइसेस हैं और एग है ऑमलेट। तो ये है जी डाइनिंग कार, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। मैं इधर चाय पीने आया था, साथ अपने कुछ कुलीग भी थे और ये रही मेरी चाय। बहुत अच्छा सिस्टम था और स्पेशली इसकी जो विंडो स्क्रीन है, हमारी भी ऐसी है लेकिन चूँकि उसमें कैबिन है तो इसलिए ज़रा छोटी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये रहा मैं और ये रही मेरी चाय। ये मैंने पूछा था सही बन रही है या नहीं सही बन रही वीडियो। कैबिन रिव्यू, सो दिस इज आवर कैबिन। मैं इधर सोया था जी, इसे हमने खोल लिया था और ये तीन इधर बर्थ हैं और तीन बर्थ हैं इधर। मैं ये ग्लास कर्शी के आपने देखा होगा व्लॉग में लेके आया था और इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है, चार्जर है, हैंड फ्री है, इसमें ट्राईपॉड भी है, एक दो चीज़ें और हैं, बैग ये नीचे पड़े हों और ये जूते पहन लिए थे, चेंज कर लिया था, इससे बंद करें। और ये रहा मैं फिर, माशाल्लाह रात भी बड़ी अच्छी रही, फ़र्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं सर, सैयद एक्सप्रेस है और बहुत अच्छा सफ़र गुजरा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हाईली रिकमेंडेड कि आपको चांस मिले सर सैयद में तो आप ज़रूर करें। खाना भी क्वालिटी वाइज भी ठीक था और
इन टाइम भी मिला। हम जस्ट उठे ही थे तकरीबन 7:30 बजे, रात बहुत लेट सोए थे 2 बजे के करीब। तो जब हम उठे ही हैं तो अभी हम उठे ही थे तो खाना आ गया था। और ये रही हमारी विंडो स्क्रीन। सूरज साहब निकल आए हैं माशाल्लाह, और अभी तो तकरीबन 9 बज रहे हैं। साथी कोलीग्स मेरे तरह बाहर गए हुए हैं तो मैंने सोचा आपको कैबिन का विजिट करवा दूँ। और ये एलईडी है, इधर लगे थे मूवीज़ वगैरह लेकिन हमने देखी नहीं क्योंकि सारी देखी हुई थी पहले ही। फैन हमने सारी रात चलाई रखा, चादरें ले रखी, ये थी लाइट, इधर है कंट्रोलर, फैन बंद लाइट बंद और फिर चला रही हैं दोनों चीज़ें माशाल्लाह बेहतरीन राजे, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, आ जाए। अभी हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं तो मैं हैदराबाद स्टेशन, पहले बहावलपुर स्टेशन उतरा हूँ, बीच में शायद रोड़ी रुके थे या सखर रुके थे, उधर मैं सोया हुआ था पता नहीं चला, तकरीबन 5 बजे के करीब। लेकिन अब हैदराबाद स्टेशन पे उतरेंगे और आपसे अगली मुलाकात हैदराबाद स्टेशन पे करेंगे। ये है जी स्टेशन दीथा, इधर ट्रेन रुकी है और पता नहीं क्यों रुकी है। हैदराबाद से जस्ट थोड़ा सा ही है हम दूर, कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर होंगे, गैस ही है मेरा तो रुकी हुई है इधर, रीज़न नहीं पता क्यों रुकी हुई है। चलती है तो फिर हम भी साथ साथ चलेंगे भाई, चल पे। अभी हैदराबाद पहुँचे हैं जी, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है हैदराबाद जंक्शन, और वो भी बोर्ड लगा है प्लेटफॉर्म 1-2 उधर भी है एक। और इसके बाद हम जाएंगे जी इंशाल्लाह, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो कराची है, इधर जस्ट 3-4 मिनट का स्टॉप है। मैं क्या चले छोटी सी एक वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को दिखाऊँगा। अब नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह कराची, द सिटी ऑफ लाइट, फर्स्ट टाइम ही कहले के जा रहा हूँ होश में, जो देखूँगा 3 नाइट स्टे है इंशाल्लाह, बहुत मुझे भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आपको भी आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा चैनल पे, वीडियोस को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी बताइएगा आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम जी मैंने देखे जो विंड पावर टरबाइन थी, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी मैं हैरान हूँ, इतने ह्यूज बड़ी टरबाइनें भी और उनके जो मिनरेट्स मीनार थे उनके सारा, बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ बने हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, थम्स अप। भाई एक घंटे तो ऊपर हो गया ऑलमोस्ट। फाइनली कराची स्टेशन पहुंच गए जी, ये पीछे सारे साथी हजरात ही हैं जो ऊपर भी जा रहे हैं, 100+ हैं। क्यों आया हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने हैं, वो सारा आपको बताएंगे। तो अभी होटल जा रहे हैं, उधर खाना वगैरह खाएंगे, खाना भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे डिटेल बात करूंगा। बाहर आ गए हैं स्टेशन से, ये मेरी बैग पे स्टेशन है, ये मेरा पाउच है और हमें लेने गाड़ियाँ आई हुई हैं बसेस, उनमें जाएंगे हम तकरीबन 200% है। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ जाके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी है राइस, बीफ है जी, बीफ बड़ा, बीफ पुलाव। वी आर सर्व्ड विद बीफ पुलाव और टिश्यू के साथ। ये साथ दो को लीग है। सो दिस इज़ द होटल आई एम स्टेइंग। ये बड़ा बड़ा कराची, ऊंचा ऊंचा कराची, माशाल्लाह, वेरी बिजी कराची, बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट, बहुत ज़्यादा बिजी, हसलिंग बसलिंग, बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग, माशाल्लाह फुल टाइम रश है। और अभी हम जा रहे हैं कायद के मज़ार पे, तो चलिए उधर से उधर जाके मिलते हैं। ये जी एम्प्रेस मार्केट का टावर है, ये सारी मार्केट अंदर, अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहे हम अंदर, इधर से वापस जाएंगे क्योंकि हमने इस तरफ जाना है। थोड़ा सा नज़र आएगा आपको अभी, ये अच्छी तरह नज़र आएगा। हम आए हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स मज़ार कायद पे, हज़रत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वेरी ग्रेट पर्सन। और हम जब तक पाकिस्तान रहेगा, इंशाल्लाह ताक़यामत रहेगा, हम मोहम्मद अली जना साहब के शुक्रगुजार रहेंगे, ऑब्वियसली रहेंगे। तो अभी हम उनके मज़ार पे आए हैं। मुझे जस्ट वो याद आ रहा है, काफ़ी टाइम पहले का टाइम याद आ रहा है जब मैं यहाँ आया था, तो वो आर्मी जो पर्सनल थे उधर, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाई थी। अभी फिर जाते हैं, सारा विजिट करते हैं, फातिहा खानी करते हैं और फिर उनके साथ पिक्चर्स बनवाएंगे। और ये यार सो काइंड ऑफ यू, मैं ट्राईपॉड भूल आया होटल में, भाई निकाला है, मैं पकड़ता हूँ, थैंक यू। मेरे साथ को लीग है मेरे चार में, आपसे उनको भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो लेकिन हम इतनी गहमा करनी है, इतनी जल्दी में आ जा रहे हैं कि हमसे चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रही। अभी मैं आपको मज़ार कायद पे चलते हैं, तो उधर जाके मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहा जी, ऐसे कर लेते हैं जूम आउट इन। सैडली हमें पता नहीं था, टाइम ख़त्म हो गया, 5:30 बजे तक का टाइम था और अभी 6:10 तकरीबन 8-9 मिनट हो रहे हैं। सैडली हम नहीं जा सके, हम परसों ट्राई करेंगे, कल हमसे नहीं आ होगा, परसों हम वंस ट्राई करेंगे, अगर हमसे आ हुआ तो हम ज़रूर आएंगे और मज़ार तक जाएंगे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमसे नहीं जा हो रहा, तो मैं आज के ब्लॉग को भी यही क्लोज़ करता हूँ। आना आपको दिखाया टोबा से फैसलाबाद, फैसलाबाद से कराची, और अपना होटल रूम को इतना ख़ास नहीं था, बट हम कल जिधर जाएंगे उधर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने तो कैटेगरी जब पढ़ी, जब हमें लिस्ट आई है कि हम किधर स्टे कर रहे हैं, होटल भी आउटस्टैंडिंग, और जब उसकी कैटेगरी पढ़ी वो उससे भी 2-3 हाथ आगे था। वो आपको दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे सारा कुछ, लेकिन वो अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में राय का साथ दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक डेरो दुआ और डेरो प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़। ये रहा जी मज़ार कायद, और ये रहे हम, और सेंटर में ये बाढ़। हमसे बस ये फासला तय ना हो सका, और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, सिक्योरिटी रीजन तो नहीं, बस टाइम एक्स कैजुअल है, इतने से इतने बजे तक ओपन होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि परसों ज़रूर आए इधर।